तो अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो और आपके पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है तो आपके लिए हमने कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, बीए जनरल के लिए, साथ ही साथ एमए इकोनॉमिक्स के लिए बनाए हुए हैं, जो कि आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। वहां पर आपको वीडियो कोर्स के साथ साथ आपको जो नोट्स है वो भी मिलेंगे जो कि इग्नू के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराए हुए हैं, तो ये सब कुछ आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगा। तो कॉस्ट को कई कैटेगरी में डिवाइड किया होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। देखो, जब एक प्रोड्यूसर कोई आउटपुट करता है तो उसको कई सारे फैक्टर्स को रेंट पे लेना पड़ता है और कई सारे इनपुट्स उसको परचेज करने पड़ते हैं। यानी कि कोई फैक्टर को किसी इनपुट्स को परचेज करने के लिए या उसकी सर्विसेज परचेज करने के लिए जो कंपनी का ओनर है, जो बिजनेसमैन है, जो प्रोड्यूसर है, जो उसको मनी पेमेंट करता है, वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। यानी कि जिसका मनी पेमेंट हम दूसरों को करते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका मालिक, जिनका ओनर खुद वही होता है जो कंपनी चला रहा होता है या जो प्रोड्यूसर होता है। अगर वो सेल्फ इनपुट की सप्लाई करता है तो उसकी कॉस्ट को, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लिया। यहां पे बताते हैं, मैंने मान लीजिए मैंने बैंक से 50,000 रुपए का लोन लिया, 50,000 का लोन लिया एट द रेट ऑफ 6% और 25,000 मैंने खुद मिलाए, सेल्फ फाइनेंस किया। अब उस पैसे से मैंने क्या किया, अपने ही घर पर, जिस मैंने अपने ही घर पर एक फैक्ट्री स्टार्ट की जहां पर कपड़े प्रोड्यूस, कपड़े का प्रोडक्शन होता है, और कपड़े प्रोडक्शन करने के लिए मैंने 20 लेबर्स को लगाया, उसका जो मैनेजर है उसे अपॉइंट किया। अब इस केस में जो हाउस है वो मेरा अपना है। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? अब देखिए, ये जो 50,000 का 6% है ये तो मैं इंटरेस्ट में बैंक को पे करूंगा, यानी कि ये तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हुई। लेकिन ये वाला जो है 6%, ये मैं किसी को पे नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरा सेल्फ पैसा था। तो ये जो 6% होगा, 25,000 का 6%, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी क्योंकि मैं दूसरे को पे नहीं करूंगा। जो लेबर का सैलरी होगी वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी क्योंकि ये पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी उन लेबर्स को जो मेरे यहां काम कर रहे हैं। लेकिन जो जो हाउस है, जो रेंट है, वो मुझे देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो मकान मेरा ही है। यानी कि जिसका पेमेंट हम दूसरों को करते हैं, जिसको हम किसी और को पे करते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और जिसका पेमेंट हम दूसरों को नहीं करते वो कहलाती है इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है उसमें मनी पेमेंट होती है और इम्प्लिसिट पेमेंट में मनी पेमेंट नहीं होती क्योंकि वो तो हमारे सर्विस है। एक्चुअल वैल्यू की बात करें तो एक्सप्लिसिट जो होती है उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू होती है और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती बल्कि एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, वो एक अनुमानित वैल्यू होती है। एग्जाम्पल तो मैं आपको ऑलरेडी इसकी दे चुका हूं, जैसे रेंट अगर हम किसी दूसरे को पे कर रहे हैं, वेजेस अगर हम दूसरे को पे कर रहे हैं, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग अगर हमारी बिल्डिंग है तो वो जो होगा वो इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट, और केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को कहते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को, किसी कंपनी चला रहे हो और कंपनी चलाने पर आपकी जो इनकम हुई मान लीजिए वो 50,000 है और आपने जो एक्सपेंडिचर किया मान लीजिए वो 45,000 है, यानी कि ये मनी पेमेंट है, मनी पेमेंट किया आपने, ये हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 5,000 प्रॉफिट हुआ।
क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हो रहा है, क्या आप अपने बिजनेस में कंटिन्यू बने रहोगे। तो यहां पर कंसेप्ट शुरू होता है इकोनॉमिक कॉस्ट का। अकाउंट की नजरिए से तो आपको 5,000 प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स के नजरिए से हो सकता है कि आपको लॉस हो रहा हो, क्योंकि ये केवल आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट कवर कर रहा है, सॉरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट कवर कर रहा है। मान लीजिए ये कंपनी का ओनर चाहता है कि कम से कम उसको, क्योंकि वो कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी चला रहा है, वो पेन ले रहा है बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने का, तो उसे कम से कम 25,000 तो मिलना चाहिए। तो यहां पर अगर आप कंपनी का 25,000, ये उसका नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी कि उसका ये पैसा उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो काम कर रहा है, उसको इतना पैसा तो मिलना ही चाहिए, अदरवाइज वो कहीं जॉब कर लेगा किसी कंपनी में। 25,000 तो उसे एटलीस्ट मिलने चाहिए। तो यहां पर जो कॉस्ट आएगी उसकी, ये जो पेमेंट है ये तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि उसने दूसरों को पेमेंट की है, ये पेमेंट किसी को नहीं की, लेकिन इतना पैसा उसको मिनिमम उसको अपने काम करने के बदले मिलना चाहिए। तो ये जो है ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट का एक हिस्सा है, यानी कि इस केस में जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 70,000। तो इस केस में जो उसको लॉस हो रहा है वो 20,000 का लॉस हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक कॉस्ट की, तो इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जिसका पेमेंट हम दूसरों को करते हैं प्लस जिसका पेमेंट हम दूसरों को नहीं करते हैं। यानी इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है टोटल इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट। और अकाउंटिंग कॉस्ट का मतलब होता है केवल केवल और केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट। यानी कि अगर इकोनॉमिक्स में अगर आप कहते हैं जीरो प्रॉफिट, जीरो प्रॉफिट अगर हम कहते हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब होता है कि एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कॉस्ट में एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट भी शामिल है। अगर हम इसी तरीके से बात करें मनी कॉस्ट की और रियल कॉस्ट की, तो मनी कॉस्ट का मतलब होता है जो पेमेंट हमने दूसरों को किया वो मनी कॉस्ट है, जिसका पेमेंट हम दूसरों को कर रहे हैं। और रियल कॉस्ट का मतलब होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट प्लस साइकोलॉजिकल कॉस्ट। यानी कि रियल कॉस्ट एक ब्रॉड वर्ड है, इसका मतलब उस कॉस्ट से है जो आप जिसका पेमेंट आपने दूसरों को किया प्लस आपने जो खुद के फैक्टर लगाए उसकी कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लस उस फैक्टर को बना रखने के लिए, उस कंपनी को चलाने के लिए आपने जो पेन लिया, जो डिस्कम्फर्ट लिया, जो आपको डिससेटिस्फेक्शन हुआ, उसको कहते हैं इकोनॉमिक रियल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए किसी लाइन में लगे हुए जहां पर आपको मूवी की टिकट मिलने वाली है, अब तो नहीं मिलती लेकिन मान लीजिए लगती हुई है, तो जो मूवी की टिकट है वो 200 रुपीज की है, ये उसकी मनी कॉस्ट है। लेकिन जो आपने लाइन में लगने लगने से जो आपको मेंटली प्रेशर फील हुआ, जो आपको धूप की वजह से इरिटेशन हुआ, जो आपने 2 बोतल पानी पी लिया वहां पे खड़े खड़े, जो आपको डिसकंफर्ट हुआ, अगर उसकी भी कोई एस्टिमेटेड वैल्यू लगा दी जाए तो उसको कहेंगे हम रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट जो आप एक्चुअल में 200 रुपीज की जो आपने टिकट ली या जो भी सामान लिया आपने लाइन में लग के, वो 200 मनी कॉस्ट है। और जो डिस्कम्फर्ट आपको हुआ उसे लेने में, जो आपको डिस यूटिलिटी हुई, जो आपको पेन हुआ, अगर उसकी भी कॉस्ट इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे कहेंगे रियल कॉस्ट। अगर हम बात करें प्राइवेट कॉस्ट की, एक्सटर्नल कॉस्ट की और सोशल कॉस्ट की, तो एक फर्म जो वेरिएबल इनपुट और फिक्स इनपुट को परचेज करने पे या सर्विसेज उनकी लेने के लिए जो मनी एक्सपेंडिचर करती है, जो पैसे खर्च करती है, उसे कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। और उसकी वजह से जो इन पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को, पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसे कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। और प्राइवेट कॉस्ट को और एक्सटर्नल कॉस्ट को अगर हम ऐड कर दें तो उसे कहते हैं सोशल कॉस्ट। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि एक फर्म प्रोडक्शन कर रही है कपड़े को रंगने के लिए, तो कपड़े की रंगाई में उसके लिए कॉस्ट क्या है? वो केमिकल कॉस्ट है, वो लेबर कॉस्ट है, उसके लिए रेंट पे जो मकान लिया वो कॉस्ट है,
लेकिन उसकी वजह से जो पानी, गंदा पानी नदी में मिल रहा है, वो तो उसके लिए कॉस्ट है ही नहीं, लेकिन पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए वो भी एक कॉस्ट है। यानी कि उस कॉस्ट को कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। यानी कि जो पानी, जो केमिकल से भरा हुआ रंगाई वाला पानी नदी में जाने की वजह से जो मछलियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, उसको कहते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट। जो पूरे के पूरे इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है, जो पूरे पर्यावरण को लॉस हो रहा है, उसे कहते हैं हम एक्सटर्नल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट जो होती है वो प्राइवेट कॉस्ट, यानी कि जो फर्म को खर्च करनी पड़ी प्लस सोसाइटी को जो खर्च करनी पड़ी एक्सटर्नल कॉस्ट, उसको जोड़ के बनता है सोशल कॉस्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करें शॉर्ट रन कॉस्ट की या लॉन्ग रन कॉस्ट की, तो शॉर्ट रन कॉस्ट की अगर हम बात करें, शॉर्ट रन कॉस्ट की, तो शॉर्ट रन में दो तरीके की कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, इसलिए लॉन्ग रन में केवल एक ही कॉस्ट होती है। लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में वो होती है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, इसलिए ये जो वेरिएबल कॉस्ट है यही कहलाती है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, तो इस केस में हमारी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ये हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट है। इसी तरीके से अगर इसका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज टोटल कॉस्ट, साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट, ये सारी की सारी हमारी शॉर्ट रन कॉस्ट है। अगर लॉन्ग रन कॉस्ट की बात करें, तो लॉन्ग रन में तीन ही तरह कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि ये तीनों कॉस्ट होती है लॉन्ग रन में, और ये सारी की सारी कॉस्ट होती है शॉर्ट रन में। अगर हम बात करें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट चेंज होने से चेंज नहीं होती, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है, अगर आउटपुट में चेंज होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहां पर एक टेबल बनाई हुई है, टेबल में हमने टोटल कॉस्ट को हमने एज्यूम कर लिया इस तरीके से, फिक्स कॉस्ट क्योंकि ये 100 है, इसलिए जब आउटपुट 0 को, टोटल कॉस्ट 100 है, इसलिए फिक्स कॉस्ट भी हमारी 100 होगी, और जैसे जैसे आउटपुट हो रहा है, चेंज हो रहा है, वैसे वैसे जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देती है टोटल फिक्स कॉस्ट, तब जाके निकलती है। तो जैसे कि ये 0, 20, 30, 50, 90, 140, जो टीएफसी कर्व होगा वो हॉरिजेंटल होगा एंड पैरेलल होगा ओ एक्स एक्सिस के, और जो टीवीसी होगा वो पहले इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीजिंग रेट से, यहां तक इंक्रीज कर रहा है विद डिक्रीजिंग रेट से, देन इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट से। तो इस केस में जो टीवीसी होगा वो ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट होगा, क्योंकि आउटपुट 0 होने पर टीवीसी 0 है, और पहले इंक्रीजिंग रेट से, इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट बढ़ेगा, फिर इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। इसे कहते हैं इनवर्सली एसेप्ट कर्व। तो अगर हम मीनिंग की बात करें, तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो कि आउटपुट चेंज होने से चेंज नहीं होती, और वेरिएबल कॉस्ट होती है जो आउटपुट चेंज होने से चेंज हो जाती है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, तो टीएफसी शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती और टीवीसी शॉर्ट रन में चेंज हो जाती है। कॉस्ट एट जीरो आउटपुट करें, तो जो टीएफसी है, अगर आउटपुट 0 है तो टीएफसी 0 नहीं होगी, और टीवीसी जो है, अगर आउटपुट 0 है तो टीवीसी भी 0। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, तो ये जो टीएफसी है ये फिक्स इनपुट पे खर्च की जाती है, फिक्स फैक्टर पे खर्च की जाती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो वेरिएबल इनपुट पे खर्च की जाती है। अगर हम शेप ऑफ कर्व की बात करें, तो ये जो टीएफसी कर्व है वो ओ एक्स एक्स के पैरेलल होता है। टीवीसी कर्व है वो पहले इंक्रीज करता है विद डिक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग रेट से, यानी कि इनवर्सली एस शेप होता है।
अगर मदर नेम की बात करें तो जो टीएफसी है उसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं एंड प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। वहीं अगर टीवीसी की बात करें तो इसे इनडायरेक्ट कॉस्ट, अवॉइडेबल कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टीएफसी का एग्जाम्पल होता है जैसे रेंट, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम, और टीवीसी का एग्जाम्पल है जैसे कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ऑन इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी ऑफ टेम्परेरी इंप्लॉइज, ये सब इसकी कॉस्ट है। यहां पर एक क्वेश्चन है कि सन कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट कैसे अलग है। तो देखो सन कॉस्ट वो होती है जिसको अगर आप एक बार खर्च कर दोगे तो इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, लेकिन फिक्स कॉस्ट में अगर आप खर्च करते भी हो तो इसकी कुछ ना कुछ रिकवरी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई एडवर्टाइजमेंट किया कंपनी चलाने के लिए, तो जो एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट आप एक बार खर्च कर दोगे, चाहे कंपनी चले चाहे ना चले, वो कभी भी रिकवर नहीं हो सकती। तो जो इस तरीके की कॉस्ट को कहते हैं संक कॉस्ट। और फिक्स कॉस्ट अगर आप करते हो तो हो सकता है इसका कुछ हिस्सा रिकवर हो जाए, तो इसको कहते हैं फिक्स।